पिछले क्लास में हम पढ़े थे प्लांट्स अराउंड अस। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ प्लांट्स। टाइप्स ऑफ प्लांट्स में कौन कौन आते हैं? ट्रीज आते हैं, श्रब्स आते हैं, हर्ब्स आते हैं, क्लाइंबर्स आते हैं एंड क्रीपर्स। पहले हम लोग समझते हैं ट्रीज क्या है। बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बड़े और लंबे पौधे को क्या कहते हैं? पेड़। पेड़ भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, लीची ट्री, बनियान ट्री एक्सेट्रा। ये सब पेड़ काफ़ी विशाल होते हैं और लंबे होते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, एक बनियान ट्री है या बरगद का पेड़ है और आम का पेड़ है, काफ़ी विशाल है और लंबा भी है। ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम कवर्ड विथ बार्क। पेड़ के पास मजबूत लकड़ी का तना होता है जो उसके छाल यानी छिलका से ढका होता है। जैसा कि देख रहे हैं, पेड़ का काफ़ी मजबूत तना है, लकड़ी का बना हुआ है और ये छिलके से ढका हुआ है। ये क्या है? छिलका है, ऊपर का छाल जिसे कहते हैं बार्क। द स्टेम ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड ट्रंक। पेड़ का स्टीम कहाँ? ये है, ये जिसे कहते हैं उसको ट्रंक बोला जाता है, तो काफ़ी मजबूत होता है। मेनी ब्रांचेज ग्रो फ्रॉम द ट्रंक। जैसा कि देख रहे हैं, काफ़ी शाखाएं निकली हुई हैं। कहाँ से निकली हुई हैं? ट्रंक से। ये ट्रंक है और ये चारों तरफ शाखाएं निकली हुई हैं पेड़ की। ट्रीज हैव ए लॉन्ग लाइफ स्पैन। पेड़ का जीवन काल काफ़ी लंबा होता है। जीवन काल से क्या समझते हैं? दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। वे काफ़ी सालों तक जीवित रहते हैं। नीम बनियान एंड मैंगो आर सम कॉमन ट्रीज। नीम बरगद का और आम का पेड़ कुछ प्रमुख हैं पेड़ हैं। अब प्लांट के दूसरे टाइप्स क्या हैं? श्रब, जिसका नाम है श्रब। श्रब किसे कहते हैं? स्मॉल प्लांट्स विथ स्ट्रॉन्ग स्टेम्स आर कॉल्ड श्रब्स। छोटे पौधे जो काफ़ी तना उनका मजबूत होता है, उन्हें क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं। दे आर स्मॉलर देन ट्रीज। वे काफ़ी छोटे होते हैं पेड़ की तुलना में। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, रोज़ मतलब गुलाब, जैस्मिन मतलब चमेली और कॉटन मतलब कपास का पौधे जो हैं, ये क्या है? श्रब कहलाते हैं। छोटे हैं, पेड़ की तुलना में काफ़ी छोटे हैं, लेकिन इनका तना काफ़ी मजबूत है। देयर स्टेम इज वुडी बट थिन। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, इनका स्टेम जो है लकड़ी का है लेकिन बहुत पतला है, पेड़ की तुलना में काफ़ी पतला है। देख रहे हैं आप लोग, दे हैव मैनी ब्रांचेस। उनकी काफ़ी सारी शाखाएं हैं। जैसा कि देख रहे हैं, स्टेम है
चारों यहाँ पे शाखाएं निकली हुई हैं, काफ़ी ब्रांचेज हैं, ये सब शाखाएं हैं जैसे पेड़ में हम लोग देखते हैं। दीज ब्रांचेज ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, देयर लाइफ स्पैन इज शॉर्टर देन ट्रीज, इनकी शाखाएं जमीन के करीब बढ़ती हैं और इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है पेड़ की तुलना में। जैसा कि देख रहे हैं काफ़ी सारी शाखाएं निकली हुई हैं, जमीन के बहुत क्लोज हैं, बहुत जमीन के बहुत क्लोज हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं इसमें। दे लिव फॉर सम ईयर्स, वह कुछ सालों तक ही जिंदा रहते हैं, जबकि पेड़ काफ़ी साल तक जिंदा रहते हैं। रोज जास्मिन एंड कॉटन आर सम कॉमन श्रब, गुलाब चमेली और कपास का जो ये पौधा है ये कुछ प्रमुख श्रब्स के पौधे हैं। अब हम लोग हर्ब्स के बारे में जानते हैं। हर्ब्स आर स्मॉलर देन श्रब्स, हर्ब्स छोटे होते हैं श्रब की तुलना में। दे हैव सॉफ्ट टेंडर ग्रीन स्टेम, उनके पास मुलायम और हरे रंग का तना होता है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं फिगर में। दे हैव स्मॉल रूट्स, उनके जड़ छोटे होते हैं। दे लिव ओनली फॉर वन सीजन, वह केवल एक ही मौसम में जीवित रहते हैं। ब्रिंजल स्पाइनेच कोरिएंडर एंड ग्रास आर सम कॉमन हर्ब्स, बैगन पालक धनिया और घास ये सब क्या हैं, प्रमुख हर्ब्स कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक बनाना प्लांट को। डू वी नो ए बनाना प्लांट इज बिग एंड टॉल बट इट इज नॉट ए ट्री, एक केले का पौधा काफ़ी बड़ा होता है और लंबा होता है लेकिन तभी भी इसे पेड़ क्यों नहीं बोला जाता है, ये हर्ब कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? इट इज़ ए लार्ज हर्ब, इट हैज़ ए सॉफ्ट ग्रीन स्टेम एंड इज लीव्स ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, ये एक लंबा हर्ब है, इट हैज़ इसके पास मुलायम हरे रंग का तना होता है और ये जीवित रहते हैं कुछ ही महीनों के लिए, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं। ये हरे रंग का तना है बनाना का, इसका रंग हरा है, जबकि पेड़ का तना हरे रंग का नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ये कुछ महीनों तक ही जीवित रहते हैं, जबकि पेड़ काफ़ी सालों तक जीवित रहते हैं, इसीलिए बनाना केले का पौधा को हर्ब कहा जाता है। क्लाइंबर्स क्या है समझते हैं हम लोग। प्लांट्स व्हिच नीड ए सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट एंड ग्रो आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, वैसे पौधे जिन्हें सीधे खड़े करने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है और बढ़ने के लिए, उन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं। दे हैव ए वीक लॉन्ग एंड थीन स्टेम, उनके पास कमज़ोर लंबा और पतला तना होता है, जैसा कि देख रहे हैं
ये जो ये सहारे की ज़रूरत है इन्हें, ये कमज़ोर हैं, अगर ये किसी का ये सपोर्ट है, सपोर्ट दिया गया है, ये किसी सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये गिर जाएंगे। जबकि हर्ब्स ये देख रहे हैं ये किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ये खुद खड़े हैं। और श्रब में भी इन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, ये खुद खड़े हैं। फिर हम लोग पेड़ की तरफ भी देखते हैं, इन्हें भी किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, इनका स्टेम खुद खड़ा है। ग्रेपवाइन, पी प्लांट एंड मनी प्लांट आर सम क्लाइंबर्स। जैसा कि देख रहे हैं ग्रेपवाइन है, पीए प्लांट है और ये मनी प्लांट, इन्हें क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं। इसे अंगूर का बेल कहा जाता है, ये मटर का पौधा हो गया और ये मनी प्लांट है जो हम लोग घर में लगाते हैं खूबसूरती के लिए। ये सब देखिए सहारे की ज़रूरत पड़ रही है। इनको सहारे की ज़रूरत है, ये धीरे धीरे। लाइफ ऑफ क्लाइंबर्स इज़ वेरी शॉर्ट, इनका जीवन काल काफ़ी कम होता है, छोटा होता है। अब हम लोग समझते हैं क्रीपर्स क्या है। प्लांट दैट हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक स्टेम्स आर कॉल्ड क्रीपर्स। वैसे पौधे जो काफ़ी मुलायम, हरे और कमज़ोर तने के होते, दे कैनॉट स्टैंड स्ट्रेट, वे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। लिव्स फॉर ए फ्यू मंथ्स ओनली, क्रीपर कुछ ही महीनों तक जीवित रह पाते हैं। पम्पकिन, वाटरमिलन एंड बॉटल गार्ड आर सम कॉमन क्रीपर्स। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं पम्पकिन, वाटरमिलन और बॉटल गार्ड, ये क्या हैं, क्रीपर्स कहलाते हैं। कद्दू हो गए, तरबूज हो गए और लौकी हो गए, ये सब क्या हैं, क्रीपर्स।